हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजिंदर राणा और आज हम जो शुरू करेंगे ये है मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूलाज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल के जो फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। दो तरह के इंटीग्रल होता है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। इनडेफिनेट वो है जिसमें आपको ये नहीं मालूम होता कि हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स इज नॉट गिवन। मैं सिर्फ सिंपल बात कर रहा हूँ, ज्यादा डीपली हम बात नहीं करेंगे उसके बारे में। तो डेफिनेट वो होता है जहां पर आपको लिमिट्स दी गई होती है कि आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। हल्का सा इंटीग्रेशन के बारे में आपको मैं बता देता हूं, छोटी सी चीज है, छोटा सा कांसेप्ट है कि इंटीग्रेशन है क्या चीज, हम किसे पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज है, ये कैसे होता है, क्या करते हैं, इसके बारे में क्यों होता है। छोटे से सेंटेंस में हम खत्म करते हैं इसको। आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड इंडिया, इंटीग्रेटेड व्हाई वी यूज, हम ऐसा क्यों इस्तेमाल करते हैं शब्द कि इंटीग्रेटेड इंडिया। इंटीग्रेटेड इंडिया से हमारा मतलब होता है कि अगर आप इंडिया के बारे में देखेंगे तो चाहे आप ज्योग्राफिकली देख लीजिए, क्लाइमेट के तौर पे देख लीजिए, लैंग्वेजेस के तौर पे देख लीजिए, रिलीजन, कास्ट, कुछ भी देखिए कि आप टॉप मोस्ट कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट तक हमारे, तो आप इसमें पूरे हिस्से में आप लेकर देखेंगे तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। कितना डिफरेंस है, स्टिल वी सेड आवर इंडियंस आर सेम, वी आर द वन। तो हम इन सबको इकट्ठा करते हैं, किसी भी चीज को कलेक्ट करना, सम अप करना, जैसे मैथमेटिकल में है ना समीशन, सिग्मा, सम अप करना, ठीक है। तो जब बहुत छोटी 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 माइनूट सी चीजें होती हैं, जब मुझे उन्हें इकट्ठा करना होता है तो हम कहते हैं कि हमने उनको इंटीग्रेट किया है, वी जस्ट इंटीग्रेटेड है, तो दैट इज नोन एज इंटीग्रल। देयर टू काइंड ऑफ इंटीग्रेशन, जहां मुझे पता है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है और जहां मुझे नहीं पता कि मुझे कहां से कहां, जहां मुझे पता होगा उसे डेफिनेट कहेंगे बिकॉज इट इज डेफिनेट, और जहां मुझे नहीं पता नो इट इज इनडेफिनेट तो वो इंटीग्रल। So stay with us, मैं आज फॉर्मूले बताऊंगा आपको, हमारे साथ रहिएगा। अब हम वापस लौटते हैं। वेलकम बैक। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आते हैं तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज भी इजीली आ जाएंगे, ठीक है। सो मैं जरा स्टार्ट करता हूं यहां से। फर्स्ट फॉर्मूला, curve, that curve is the symbol of integration, x is to power n into dx. ध्यान से देखेंगे, integration करते हुए इस curl का और dx का कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं आपको एक abusive language में समझा देता हूँ, उसको ज़्यादा deeply तो seriously लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहा है कि integration करनी है और ये dx बता रहा है कि variable कौन है। अगर d के साथ यहाँ x लिखा तो ये कह रहा है x variable है, तो x की integration करें, x की integration। Curl gives you the idea of integration और dx gives you the idea of whose integration is this, किसकी curl। इसका formula होगा x n plus 1 upon n plus 1 plus c। हर result के साथ आपको plus c constant लिखना ही होता है, अब मैं बार-बार नहीं लिखूंगा उसको, एक बार बता दे आपको, तो हर result में plus c होगा, that is for sure। तो इसका formula, इसको हम one liner में याद कर सकते हैं कि x to power n का integration होगा raise the power by 1 and write the same down। पावर में एक बढ़ाएं और उसी को डिनोमिनेटर में नीचे लिख, रेज द पावर बाय 1 एंड राइट द सेम डाउन, ओके। सेकंड है 1 अपॉन x इनटू dx। अगर आपको याद हो तो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x था, तो उसका रिवर्स कर दिया गया कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जो है वो log ऑफ x होगा प्लस c इज देयर। वाली थर्ड फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू पावर x इनटू dx, इसका रिजल्ट a रेज टू पावर x अपॉन log of a plus c। अगर आप करते तो इसका डिफरेंशियल था a रेज टू पावर x इनटू log of a, यहां पर log of a डिनोमिनेटर में, और एवरीबॉडी शुड नो दैट देयर इज e, दैट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि यहां e होता है। अब फोर्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x इनटू dx इट इज e रेज टू पावर x plus c। ये इस पार्ट का डिफरेंशिएशन भी इस पार्ट x ही रहता है और इस पार्ट का इंटीग्रेशन भी ये इस पार्ट x ही रहता है, ओके। नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर द फॉर्मूला फॉर द डिनोमिनेटर, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज नेगेटिव ऑफ cos x प्लस इज नेगेटिव, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन होता है, सो फ्रॉम देयर sin इज माइनस ऑफ कॉस। सिक्स्थ फॉर्मूला, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है ये साइन एक्स प्लस सी, देयर सिक्स फॉर्मूलाज आर दिस। सेवेंथ फॉर्मूला,
secant square x into dx. It is tan x plus c. मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूं, मैं अपनी डिफरेंशिएशन को रिपीट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि sin का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन sin, cos का डिफरेंशिएशन माइनस के sin, इधर उधर लेंगे। tan का डिफरेंशिएशन secant square होता है, तो secant square का इंटीग्रेशन tan x हो गया। ठीक, ओके, दिस द 7th, देन 8th, ओके, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cosecant square x, it is minus of cot x plus c, cot का डिफरेंस minus cosecant square होता है, तो cosecant square का minus k cot x हो जाएगा। 10th formula is sine cos tan secant cosecant, okay, secant x into tan x is secant x plus c, you got it? Secant का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Secant into tan, तो secant into tan का इंटीग्रेशन secant, then the 10th cosecant x into cot x, that is minus of cot x plus c, sorry, minus of cosecant x plus c, sorry, got it? क्योंकि cosecant का जो आपका डिफरेंशिएशन था वो माइनस ऑफ cosecant टू cot होता है, तो वहां से बनाया। नाउ अगर मैं ध्यान से देखूं तो sin का इंटीग्रेशन है, cos का इंटीग्रेशन है, मेरे पास छह रेशियोस होते हैं, sin है, cos है, tan है, secant है, cosecant है, cot है, ये चीज हमने सिर्फ sin और cos का ही लिख पाया। तो अगर सिर्फ tan x का इंटीग्रेशन करना होता तो इट इज माइनस log ऑफ secant x, और या फिर हम इसे so log of secant x either minus log of cos x, दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंस प्लस c होगा, log of secant 1 upon secant और ऊपर इनटू में secant x इनटू tan x, secant का तो secant से कट जाएगा tan, आप इन दोनों का डिफरेंशिएशन करके चेक करेंगे, यू विल गेट द tan x, सो इसलिए tan x का इंटीग्रेशन ये बन जाएगा। सिमिलरली cot x, इसको हम लिख सकते हैं log of sin x, log of sin x का डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए, log of sin का 1 upon sin x और sin x का ऊपर जाएगा तो cos x, cos upon sin is cot, plus c is always there, ऊपर भी है दोनों में। okay, now integration of secant x, that is log of secant x plus tan x, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, आप अगर इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू विल गेट इट 14, सिंपल cosecant x का इंटीग्रेशन log of cosecant x minus cot x, सो अब आपके पास sin का, cos का, tan का, cot का, secant का, cosecant का, secant square का, cosecant square का, secant into tan का, cosecant into cot का, इन सब के इंटीग्रल फॉर्मूलास हैं आपके पास। ठीक है, तो दीज आर द 14 फॉर्मूलास व्हिच इज लाइक दिस, और अभी 6 फॉर्मूलास और होंगे हमारे पास जो कि हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के होंगे, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आपको इन्हें लर्न करना है, बार बार देखना है, और जितना ज्यादा आप इन्हें रिपीट करेंगे, रिपीट करना है, जितना रिपीट करेंगे, बार-बार इन्हें सुनेंगे, इन्हें देखेंगे, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 5 से 10 मिनट की ये वीडियो बनेगी, उसके अंदर आप ये अगर सुबह देख लिया, फिर थोड़ा स्कूल जाते हुए या स्कूल से आते हुए देख लिया, या शाम को रात को सोने से पहले फिर सुबह उठे तो सोने के बाद देख लिया और रिपीट किया कि अच्छा यार मुझे याद है, हां अगर याद तो ठीक है, नहीं जरा देख लेते हैं कि क्या था एक्चुअल फार्मूला। सो बाय दिस, बाय रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन यू विल लर्न, आप इन्हें लर्न कर लेंगे। वन मोर थिंग, इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं होती है, कंडीशन यही होती है कि आपको ये फॉर्मूलास लर्न होनी चाहिए, और लर्न करना मुश्किल नहीं है, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आती है तो आप इन्हें इजीली लर्न कर सकते हैं। लोग ये कहते हैं कि सर इंटीग्रेशन मुश्किल है, इंटीग्रेशन इज नॉट टिपिकल, वो मुश्किल नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन याद होनी चाहिए, उसको रिवर्स करना आना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये याद हो जाए, और प्लीज कोशिश कीजिएगा इनको बार बार रिपीट करने की, बार बार देखने की। हम बाकी छह फॉर्मूले
अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।